करीना कपूर की बेस्ट फ्रेंड अमृता अरोड़ा की शादी को 12 साल पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने 2009 में मुंबई के बिजनेसमैन शकील लकड़ से शादी की थी। आपको बता दें कि 45 साल की अमृता ने शादी की सालगिरह पर इंस्टाग्राम पर पति और दोनों बेटों के साथ पुरानी फोटो शेयर कर अपने पति को बधाई दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने साथ में अपने पति के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि हैप्पी 12 माई बेबी डैडी लवर बेस्ट फ्रेंड। जी हाँ, साथ में उन्होंने हर्ट की इमोजी भी बनाई है। आपको बता दें कि मॉडल, टीवी प्रेजेंटर और वीजे रही अमृता ने एक्टिंग में अपना करियर बनाने की सोची और 2002 में फिल्म कितने दूर कितने पास से उन्होंने डेब्यू किया। आपको बता दें कि अमृता ने अपने करियर में महज 21 फिल्मों में काम किया है। कई बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करने के बावजूद वे बॉलीवुड में पहचान बनाने में सफल नहीं रही और उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। वैसे कम ही लोग जानते हैं कि अमृता ने जिस शख्स से शादी की है वो उनके बेस्ट फ्रेंड के पति थे। जब उनकी मुलाकात शकील से हुई तो वह पहले से शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी का नाम निशा राणा है। आपको बता दें कि अमृता और शकील में पहले दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर एक वक्त ऐसा आया जब दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। शकील ने पत्नी निशा को तलाक देकर अमृता से शादी कर ली। उस वक्त मीडिया में यह बात तेजी से फैली कि अमृता शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्होंने आनन फानन में शकील से शादी की। जी हाँ, कपल ने दो रीति रिवाजों से शादी की। दोनों ने क्रिश्चियन वेडिंग के साथ निकाह भी पढ़ा था। आपको बता दें कि निशा का शकील से तलाक हुआ तो उन्होंने अमृता पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी शादीशुदा जिंदगी में बर्बाद कर दी और वो पति पत्नी के बीच आई। निशा ने इंटरव्यूज में सरेआम अमृता पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके पति को चुरा लिया है। जी हाँ, इससे पहले उनके कपड़े और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करती थी, फिर उनका पति भी उन्होंने चुरा लिया। जी हाँ, 2008 में अमृता जब लॉस एंजल्स में फिल्म कमबख्त इश्क की शूटिंग कर रही थी तब उनसे मिलने शकील गए थे। उस वक्त भी निशा ने आरोप लगाया था कि शकील तलाक के बाद उन्हें गुजारा भत्ता नहीं देते थे लेकिन अमृता को महंगे तोहफे खरीद कर दिया करते थे। मुझे आपको बता दें कि शकील से पहले अमृता का दिल क्रिकेटर पर भी आया था। 2004 में अमृता का दिल इंग्लिश काउंटी क्रिकेटर खेलने आए उस्मान अफजल पर आ गया था। उस्मान भी अमृता को लेकर सीरियस थे, दोनों हर जगह साथ नजर आने लगे थे। इनकी लव स्टोरी ने मीडिया में बहुत सुर्खियाँ बटोरी थी। खबरों की माने तो अमृता अपने बॉयफ्रेंड उस्मान के साथ काफ़ी दूर तक जिंदगी का सफ़र तय करना चाहती थी लेकिन दोनों का रिश्ता नहीं चल सका। अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में पहुंची करीना कपूर ने जमकर मस्ती भी की थी। आपको बता दें कि अमृता अरोड़ा करीना कपूर की बेस्ट फ्रेंड है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट।